रोज एक अहम चीज की हमें प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन ध्यान हम बहुत कम करते हैं उस पर। सुबह होती है तो सूरज निकलता है, रोशनी फैल जाती है चारों तरफ, दुनिया के काम शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे रोशनी फैलती है, आदमी एक्टिव होना शुरू हो जाता है और जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाता है। वही रात में हो जाए, जल्दी जल्दी इस काम को खत्म कर ले, घर पहुंचने की कोशिश करता है। तो एक वक्त जो अल्लाह ने दिया है सूरज के चमकने का, रोशनी का, उसको पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। तरक्की की इंसान ने तो खुद भी कुछ फिर इंतजाम कर लिए कि इस अंधेरे को भगाया जाए, वो कुछ टाइम और बढ़ा लिया जाए, आर्टिफिशियल चीज हमने लगा ली, लाइट वगैरह सारा कुछ अंधेरे से बचने के लिए। लेकिन बिलाखिर फिर अंधेरा आ ही जाता है, आजाद जरूर आती है। हकीकत में ये अकलमंद लोगों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। अंधेरा एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है और आखिरत का सबसे बड़ा अजाब जो होगा वो अंधेरे का होगा। अंधेरा हो, बैठे हैं आप घर में, मामूल पे जिंदगी गुजर रही है, अचानक ब्लैकआउट हो जाए, जैसे यहाँ है एकदम अंधेरा हो जाए, तो समझे जिंदगी का पूरा हिस्सा खत्म हो जाता है। आदमी जो काम कर रहे हैं वो नामुकम्मल हो जाता है। किसी काम में आदमी लगा है, अंधेरा हो गया, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हद तक ये दो कदम चलना मुश्किल हो जाता है उसके लिए, कुछ तो चीज़ ढूंढना मुश्किल हो जाती है। घर उसका वही होता है लेकिन एकदम दुनिया और फजा बदल जाती है इंसान की। नोट कर लिया, तब एहसास होता है तो भाई रोशनी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तो इतनी कीमती चीज़ है रोशनी। आप देखें दे रहा हो तो उस वक्त एक छोटी सी जो मोमबत्ती हुई वो भी बड़ी गनीमत नजर आती है आदमी को। सोचो यह कोई अगरबत्ती देखा ना, घर में अगरबत्ती होनी चाहिए थी। माचिस का एक तीली जो है वो बहुत बड़ी कीमती चीज नजर आती है, रोशनी भी चीज है। ये तो हम एक सतह ही देखते हैं, लेकिन आप ख्याल रखें कि अल्लाह ताला की हर चीज में बड़ी हिकमतें मौजूद है। इन्हीं चीज़ों को सोच सोच कर इंसान अल्लाह वाला बनता है।
जब इंसान में फिक्र हो जाए ना आखिरत की, तो हर चीज के बारे में सोचता है। वाकई ये बड़ी चीज है। मरने के बाद सबसे पहले इंसान कुछ दुनिया में ट्रांसफर करता है ना, तो हर चीज अंधेरी होती है। तो कैसा अंधेरा है, अब आप देखें, कुरान सारा बता रहे हैं, हदीस सारी बता रहे हैं। और ये तो एक आरजी अंधेरा, चलो अगरबत्ती जला ली आपने, लैटरिन जला ली, चलो इंतजार कर लिया आधे घंटे के बाद बिजली आ जाएगी, 15 मिनट के बाद आ जाएगी, इंसान एक आश्रय पर रहता है। लेकिन वो जो अंधेरा है वो तो ना खत्म होने वाला अंधेरा है, वो इतना भयानक अंधेरा है कि जैसे इंसान ट्रांसफर होता है दूसरी जिंदगी में, उसको मौत कहते हैं, वो तो एक हक चीज़ है, पर हक चीज़ है, जाने ही आदमी ने, बैठे बैठे चला जाए, अस्पताल में चला जाए, एक्सीडेंट से चला जाए, हमने इसको ट्रांसफर करना है, तो वो कितना जबरदस्त अंधेरा होगा। आप सोचें, मौत से शुरू हो जाते हो तो दोनों चीजें हैं, अंधेरा होगा तो आखिरत के सारे काम रुक जाएंगे हमारे, मजाब बन जाएगा बहुत बड़ा, जैसा बैठे हैं किजाब बन जाते हैं, अंधेरा आ जाए क्या कर जाते हैं, अपॉइंटमेंट जो है कि तो रहेगी अंधेरा, आप रोशनी होगी तो फिर बताएं क्या हाल उनसे, तो वो तो ऐसा अंधेरा है कि उसके हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब मौत का अंधेरा होगा, कब्र का अंधेरा होगा, कितना भयानक अंधेरा होगा मुझे बताएं। और वो अंधेरा ऐसा होगा कि उसमें होश होगा आदमी को, ये नहीं कि आप बेहोश पड़े होंगे, नहीं, सेंस होगा, अंधेरा होगा बिल्कुल, कोई लाइट नहीं होगी, उससे आगे चले तो बहुत मुनाजिल है, एक मंजिल तो नहीं हमारी, ये तो एक आर्टिफिशियल जगह है, वक्त गुजरे तो वहां तो वक्त गुजरेगा नहीं, 70 साल तो हशर से निकलेगा ना आदमी, तो 70 साल उसको वहां के 70 साल खड़े होकर सिर्फ ये इंतजार करना पड़ेगा कि मैं हिलता कब हूं आगे की तरफ। और उस वक्त ऐसा अंधेरा हुआ, ऐसा अंधेरा गया जिसकी कोई हम मिसाल जी दुनिया में नहीं दे सकते, और गर्मी का कोई हिसाब नहीं हुआ, उसका भी कोई मिसाल नहीं हम दे सकते। ये हमारे आने वाली जिंदगी है दोस्तों, कितनी गफलत है हमारे दिमागों पे, हमारे कलूब पे जो खिलाफ चढ़े हुए हैं ना, इन्हीं चीजों को छुपाए हुए हैं, ऐसी जगह बताए एक सेकेंड इंसान नहीं गुजार कर सकता, एक सेकंड होश आवाज के साथ, यही तो अजाब है, प्रतिपदा होगी इसकी, हशर के मैदान में इस कदर भयानक अंधेरा होगा कि आदमी उसका तस्वर ही नहीं कर सकता, उसमें सब कुछ करने हैं आप, फुल सलात बताएं आप, कितनी जबरदस्त जगह है वो, तलवार से भी ज्यादा तेज बारीक उस पर से गुजर रहे हैं आप, अंधेरी की इंतहा कोई नहीं। अल्लाह के नबी सुनते हैं कि तो सब जगह आएंगे, यहाँ इंतजाम करते हैं माचिस का आप, कि फलों ब्लैक आउट हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 घंटे के लिए ब्लैक आउट हो रहा है, सब भागेंगे, कोई अगरबत्ती लेने जाएगा, कोई माचिस लेने जाएगा, कोई लैटरन का इंतजाम करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो अल्लाह कुरान बता रहा है, नबी हदीसें बता रही हैं, और हम मोमिन ईमान वाले इन बातों पर यकीन रखते हैं, ईमान है इन चीज़ों में, तो ईमान है, मुसलमान है, अगर इन चीज़ों पे एक चीज़ पे भी हमारा ईमान नहीं हो, हम मुसलमान नहीं हैं, हम इसी चीज़ों को मान लेने का और यकीन करने का नाम ही ईमान है। नहीं जी ये कैसे होगा, ऐसे किस तरह हो सकता है, नहीं बड़ा मुश्किल है जी, नहीं ऐसे ईमान नहीं भाई, जत्ती बराबर भी क्या, जर्रे बराबर भी शक नहीं हो सकता उन बातों को जो कुरान की तरफ से, इसी पे तो मामला ही क्या, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये क्या है, इसको माने हम लोग, इसमें एक बाल के बराबर भी कुछ शक्कन सांग जिस पैदा हो गया तो ईमान से खारिज हो गया वो। और शैतान यही कोशिश करते हैं किसी तरह वसवास पैदा करें, शकूक पैदा करें, ताकि ये अपने आप को मुसलमान समझता रहे, लेकिन असलियत इसको जब पता चले कि तेरे में तो शक था, तो इस बात को यकीन नहीं करता था, तू कहाँ का मुसलमान है। इस यकीन पर कायम रहना कि जो कुछ भी है, आमन ना बसदक ना, मान लिया हमने, दिल से मान लिया, हमें कोई शक है ही नहीं इस बात पर,
तो हू बहू ऐसे ही होगा, ऐसी क़यामत होगी, यही टाइम होगा, यही चीज़ें होंगी, ये हमारा जहाँ कुनी का वक्त ऐसा होगा, कब्र के साथ ऐसा होगा। जो चीज़ इंफॉर्मेशन अखबार खबरें हमें मिली उस पाक जबान से जिसके लिए वान फरमा वमियत तकलवान हवा, जो बोलते ही नहीं तो बोलती भी तो अल्लाह की तरफ से जबान बोलती है, ये भी अल्लाह तारीफ कर दी उस जबान की, अल्लाह ने खुद तारीफ की है कि ये नहीं कि आम जबान से खबरें आ रही हैं, जिसको कुरान खुद कहता है कुल तू बोल अपनी जबान से, तो वो क्या जबान होगी मुझे बताएं आप। इसको परवरदगार कह रहा है कि मेरा दिल करता है तू इस पैगाम को अपनी जबान से पहुंचा, कुरान में तो हर जगह कुल हो अल्लाह कुल हो रब्बिन्नास, बताया क्यों अल्लाह क्यों नहीं कह, खुद क्यों नहीं कह देता, क्या वजह? ताकि हमें पता चले कि हमारे नबी का क्या मुकाम है। दिल अशश करे नमाज पढ़ते भी हो कुरान पढ़ते हुए भी, सुभान अल्लाह, क्यों अल्लाह फरमा रहे हैं तू बोल मैं नहीं बोलता, क्यों कि तेरा बोलना मुझे बहुत पसंद है, सुभान अल्लाह। अल्लाह उनसे बुलवाए अल्लाह पसंद करे तो हम सुनना ना पसंद करें बात, फिर भी शक हो मुझे बताए तो ईमान कहाँ रहा इंसान का, ईमान कैसे रहा? सारी हदीसें वही हैं, दो किस्में हैं वही की जिससे उन्माराम फरमाते हैं, एक तो तलो है दूसरा कर तलो है, तो वो भी वही है तो वो भी वही, सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से होगी अल्लाह तरफ से, जबान है दी है अल्लाह तआला ने नबी को डायरेक्ट कुरान में कहा, यहाँ तो कोई फरिश्ता भी नहीं उतर रहा, डायरेक्ट कहा कुल तू बोल, ताकि उस मामले में किसी किस्म का रत्ती भर भी शक ना, शक की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो ये जो शकूक आते हैं इंसान पर, वसाविस आते हैं, इसका फिर इलाज है, जरूरी नहीं है कि ऐसे वसाविस से आदमी काफिर हो जाता है, शक पता होता नहीं, नहीं इसका इलाज है, बीमारी भी तो उसको हो सकती है ना। ये वो शकूक वो शुबात जब इंसान के अंदर आए उसको उस पर अमल कर ले तब आदमी काफिर होता है, लेकिन वो शकूक जो अंदर तक हैं दबे हुए हैं उसको तंग कर रहे हैं वो साफिस होते हैं, उससे घबराने की बात नहीं है, बल्कि वो तो और मामला है। अल्लाह कहता है इससे तो इंसान के दराजात को बुलंद करता हूँ के बावजूद शकूक के फिर भी कायम है ईमान के ऊपर, सुभान अल्लाह, शैतान उसको डाउन नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें जो हैं सफ़र के लिए किसी अल्लाह वाले की सबूत चाहिए हमें, हम फिसल जाएं एकदम रगड़े जाएं, शैतान तो काबू कर ले, लेकिन जब सबूत हो किसी अल्लाह वाले की उसकी सबूत में आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बच्चा उंगली पकड़ के चलता है ना अकेला जाए तो घबराता है, लेकिन जब किसी के साथ जाएगा तब भी उसकी उंगली इतनी मजबूती से पकड़ते ना बच्चा, इतनी मजबूती से, तो मुरीद को ही चाहिए अपने शेख की उंगली को इतनी मजबूती से पकड़े छोड़े ही ना। मिसाल देते हैं बुजुर्ग, मैंने जो सुनी है बातें मैं वो बता रहा हूँ, मैं ना हो कोई बुजुर्ग हूँ ना कोई अल्लाह वाला हूँ ना कोई वली हूँ, मैं तो सुनी हजरत साहब से बातें मैं आपको पहुँचा देता हूँ, आपको कोई अल्लाह वाला मिल जाए तो उसकी उंगली ऐसी ही पकड़े जैसे मैंने अपने शेख की पकड़ी थी, आज तक पकड़ी हुई है माशाल्लाह, उंगली कोई हटती थोड़ी है छोड़ता थोड़ी आ रही है, तो मुझे उंगली ऐसे पकड़ के रखी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े वसावस से इंसान निकल जाते हैं, ये नहीं कि इंसान को वसवसे ही नहीं आते, मुझे सबको आते हैं, कितने बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी हो उसको भी शैतान आगे तंग करता है। इमाम राजी कितने बड़े बुजुर्ग थे, ऐन मौत के वक्त शैतान आ गया, पता है कितने बड़े मुहद्दिस कितने बड़े तफसीर लिखने वाले कुरान की आ गया शैतान, बताओ अब वो जवाब पूछ रहा है वो दे रहे हैं हर चीज को काट रहे हैं शैतान, वक्त आखिरी है, बड़े परेशान कि अब क्या होगा मामला, तो क्या बात थी उन्हें उंगली पकड़ी थी अपने शेख की मजबूती से, शेख ने कहा तू जवाब ये दे जो मुझे बताता हूँ, तो शेख से जवाब देते हैं वो जवाब दिया शैतान पाक के। तो भाई ये चीज़ें हैं जो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने उन चीज़ों का हमें हुक्म दिया हुआ है कि तुम इस तुम्हारी ज़िंदगी के लिए मैंने सारे इंतज़ाम किए हुए हैं, शैतान अगर मैंने पैदा वसावस के लिए तो फिर मैंने अल्लाह वाले भी पैदा किए बचाने के लिए, सबूतें भी नहीं है अल्लाह ताला ने, हम उस तरफ तो जाए ना शैतान नहीं, शैतान शैतान के क्या रोना उसके, आप वो पकड़ लें दूसरी साइड अपने मानों को मजबूत करें, अब यही नहीं ज़रूरी कि भाई हर आदमी के लिए भी एक ही अल्लाह और नहीं,
अल्लाह वाला वो उस अल्लाह वाले की आप उंगली पकड़ेंगे जिससे आपको मोहब्बत होगी, एतकाद होगा, आपको एतबार होगा, उसकी सोबत में मज़ा आता होगा, उसकी बातों पर यकीन होता होगा। अगर उस आदमी की बात पर आपको यकीन ही नहीं है, बात नहीं है, वो खोते ही है बैठ के, वो करते क्या है आदमी, कैसे जरूरत क्या है भाई, जाएँ अल्लाह वाले बहुत हैं, किसी उस आदमी के पास जाएँ जिससे आपको फ़ायदा पहुँच रहा है, आपका यकीन बढ़ रहा है, और ये भी बहुत बुरी बात है, मना की है कि जिससे आपको दिल नहीं मिला कुछ नहीं, तो उसके मतलब ये ना आप उस पर क्रिटिसाइज शुरू कर दें कि तो ये फजूल आदमी, हमें तो सफोई दें, नहीं आप समझें कि ये मेरे मुकद्दर मुकद्दर का नहीं है, मुझे कोई और तलाश कर लेना चाहिए, लेकिन ये अपनी जगह सही आदमी, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं, कसूर मेरा है, अल्लाह की हिकमत यही है कि मुझे इससे फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, मेरे जो मिजाज का आदमी है वो ये है, मुझे उसके पास जाके बात करना चाहिए। और ये हकीकत है कि जिससे अल्लाह ने दिल मिलाना होता है, पहली मुलाकात में, पहली मस्जिद में इंसान जाता है, कहता है जी बड़ी गल्ला पसंद आ गई नहीं मैं तो हम दोस्त कल जिसकी आपको बातें नहीं पसंद है, ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, कभी मोहब्बत ज़बरदस्ती होती है मेरे भाइयों, कभी नहीं होती ज़बरदस्ती, तो मोहब्बत चलती नहीं, अगर बीवी भी निगाह में आ जाए ना तो मोहब्बत भी ज़बरदस्ती नहीं चलती, गुजारा चलता है फिर उसमें गुजारा ही चलता है। अक्सर लोग शायद करते हैं ना, वो तो कमाल है, बीवी भी आ जाए और मोहब्बत भी आ जाए, सुभानअल्लाह, जिंदगी सहल हो जाती है इंसान, ये तो अल्लाह की नेमत में से एक नेमत है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आप जोर से घुसे रहे हैं वहाँ पे, आपको ना दिल मिल रहा है ना कुछ हो रहा है, और फिर उसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो ये वाई आर वेस्टिंग योर टाइम, जरूरत क्या है किसी को कहने, उसको अपने हाल पे छोड़ दें, कह जी नहीं यहाँ तो मेरा गुजारा नहीं है, तो कर रहे हम तो ठीक कर ले, उस पर किस है, मैं आप जाऊँ किसी जगह ना, कर ये तो ये ऐसा है, ये तो फला है जी, ये तो ये करता है भाई, उसका एक सिलसिला है, वो चला रहा है, लोग आ रहे हैं बैठे हैं, अंदर उनको फ़ायदा पहुँच रहा है, तुम्हें नहीं पहुँच रहा फ़ायदा पहुँच रहा, तुम्हें लड़ना है उसके साथ जाके, कुश्ती नहीं लड़नी है, जाओ मियाँ और हज़ारों दरवाजे खुले होंगे, तुम जाके वहाँ तलाश कर लो, झगड़े की बात ही कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा क्या ऐसा कुछ भी नहीं, आपके किसी इंसान से मोहब्बत नहीं होती, लेकिन शर्त यही है उस शेख से आपको उस वक्त फ़ायदा पहुँचेगा सुभानअल्लाह, जब आप उसकी ज़ात में फना हो जाएंगे, उसको देख के प्यार आएगा, उसकी बातों में मज़ा आएगा, उससे मोहब्बत बढ़ जाएगी आप, अगर ये कैफियत है तो समझो पक्का निकाह हो गया आपका, फिर माशाल्लाह छूटने वाला नहीं, उतने तक जाएगा काम फिर माशाल्लाह, अल्लाह कहता पक्का हो गया तेरा, महल भी चला गया सुभानअल्लाह, तेरा निकाह पक्का है, फिक्र ना कर, ना बसोसे ना शैतान है, खुशे पर बैठते हैं मज़े लेते हैं, अमल अपनी जगह, इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कमज़ोर भी होता है, ढीला भी होता है, कभी चल पड़ता है, कभी रह जाता है, इसकी परवाह नहीं, मोहब्बत हो गई है किसी से, हो गई बस, किस मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है मेरे भाई। अभी मैं बात जो कर रहा था शायद उसमें मिसाल आ जाए मोहब्बत की, तो बात किसकी चल रही थी, टाइम भी बहुत शॉर्ट है, बात चल रही थी किसकी, अंधेरे की, मजमून बहुत अच्छा है लेकिन बहुत मुश्किल है, इसको 5 मिनट ख़त्म करना पड़ेगा मुझे, आज टाइम थोड़ा है। तो अंधेरा जब बहुत, फिर हम क्या करते हैं, इंतजाम करते हैं ना फौरन भागने का, तो वो बस जिस अंधेरे का अल्लाह हुक्म फरमा रहे हैं, हदीस बता रहे हैं कितना ख़तरनाक अंधेरा हो, तो इसके भी तो कोई इंतज़ाम होना चाहिए नहीं, अल्लाह कहते मैं इंतज़ाम किया है इसका, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अंधेरा जो आएगा इंतज़ाम यहाँ करो, दिए यहाँ जलाओ, माचिस यहाँ करो, मोमबत्ती यहाँ जमा कर लो, वहाँ नहीं मिलेगी सुभानअल्लाह, वहाँ कब्र का अंधेरा मिलेगा, अगर यहाँ से तू लेके जा रहा है लाइट, दिया सलाई, मोमबत्ती, डिपेंड करता है जितनी पावर का बल्ब चाहे तू यहाँ ले सकता है, उसी पावर की रोशनी तेरे कब्र में होगी जाने से पहले, इंतजाम किया ना तब, आपको तो ऐलान हो गया भाई अंधेरा चलना है, कहाँ से लेंगे आप, फौरन भागेंगे दुकानों की तरफ, स्टोर में जाएंगे, उधर जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला ने हमारी आखिरत का ऐलान किया है कि वहाँ दे रहे हैं नो लाइट, और भयानक दे रहे हैं, हाथ में सुझाई देगा जी, फिर कहाँ से खरीदें, तो भाई दुनिया तुम्हें दी इसलिए कि यहाँ से बल्ब इकट्ठे करो, यहाँ से रोशनी मिलती है, रोशनी मैंने बखेरी हुई है, ऐसी बखेरी है, यहाँ से रोशनी तुम्हें मिल जाएगी, जाके बैठो किसी अल्लाह वाले के पास, दिल रोशन कर देगा तुम्हें, बड़े बड़े मैंने जनरेटर लगाए हुए हैं यहाँ पे अल्लाह ताला के, सुभान अल्लाह, लेने वाले तो बनो,
जाओ तो सही, बड़े बड़े स्टोर बनाए हैं मैंने, नक्शबंदी स्टोर है, कादिया स्टोर है, चुश्तिया स्टोर है, जिस स्टोर से जाए माशाल्लाह तुम मोमबत्ती खरीदो, क्या लाइटें खरीदो, ट्यूबें खरीदो। नहीं जी ये तो बिद्दत है, ये तो फला है, वो सारा कुरान भरा पड़ा है, रोशनी खरीदो, रोशनी खरीदो, वहाँ एक ही रोशनी मिलती है, अल्लाह ताला कहता है सबसे हाई बल्ब अल्लाह के नबी ने बताया है, जब रोशन कर देगा तुम्हारी आखिरत, खरीद लो उसको, वो क्या है सुभान अल्लाह। या अल्लज़ी नाम उस पर ज़िक्रन कसीरा सब बेहू बुगरत मसीरा वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम मलाइकतु लियुख्रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन अकान बिलमुमिनीना रहीमा। खास मोमिनों के लिए जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जो मेरे हैं मैं उनका, उनके लिए मैंने पूरा इंतज़ाम किया है रोशनी का, और गारंटी दे रहा है कुरान शुक्र जो मिनज़ुलुमाति नूर कि किसी किस्म के भी अंधेरे आ जाए, किसी किस्म के भी आ जाए, कब्र के, मौत के, हशर के, नहीं कहीं भी आएगा उसको ऐसा उठाऊंगा जिसके पास ये लाइट होगा कि चौदहवीं की रात की तरह उसके चेहरे चमक रहे होंगे, कब्र इसका बक्को नूर होगा जिसका कब्र के अंदर जाएगा, चमक लिया माल उसने, कितना हशन लोग उठोगे कब्र से, सब हदीस हैं, बदहाल होंगे, अंधेरे में घुप होंगे, 70-70 साल कब्र के खड़े होने के बाद, निकलने के बाद वहां खड़े रहेंगे कि मेरी बारी कब आती है, सुभान अल्लाह। वहां से कुछ लोग ऐसे उठेंगे कि जब उठेंगे तो रोशन सारों की तरह चमक रहे होंगे, और मिट्टी झाड़ते हुए चल पड़ेंगे अपने सफर की तरफ, अगले मैदान में जाएंगे तो फिर हदीस आती है, अबू दर्दा रवायत फरमाते हैं, नबी के सहाबा को बता रहे हैं कमाल है उस मौके पर, हश्र जहां दे रहे होंगे जिसका कोई पता नहीं किस किस्म में दे रहा होगा, वहां पर एक कौम ऐसी होगी कि वो मोतियों की मिंबर पर बैठी होगी और उनके चेहरे चौदहवीं की रात चमक रहे होंगे, कौन सी लाइट लेके आएगा, सारे साहबा यार सा हमें बता दें जी वो क्या, वो किस तरह कौन सी कहां से लाइट आई, किस तरह आई। यहां मोहब्बत की बात की अल्लाह के नबी ने, सुभान कहते हैं इन्होंने वो जो वहां कर लिया था माल, इतने जबरदस्त लाइटें थी, क्या था कि ये वो लोग हैं इनके पास वो टीवी साथ, दुनिया सारी हैरान हो रही है, एक नबी हैं कौन है, किस किस्म के लोग हैं, फरमाई वही लोग हैं, लेकिन इनको पता चल गया था कि अंधेरे आने वाले हैं, लाइट खरीद लो, उस लाइट के पास पहुंचना शुरू हो गया, और उन्होंने इसी तरीके से लाइट को अंदर अपना जमा करना शुरू कर दिया, सुबह भी और शाम भी कसरत के साथ, ये कुरान ने कहा ना सुबह भी लो शाम को भी लो, हर वक्त जनरेटर चलता है, जमा करते रहो लाइटों को अपने, बहुत जल्दी तुम्हें यहां से चले जाना है, कितनी अच्छी बात है, ये लाइट लेने तो आए, आप यहां क्या लेने आए, फुल लोग जाएंगे माशाल्लाह, आपको जनरेटर अंदर चमक रहा होगा, यहां नहीं नजर आती वो लाइट, यहां इतनी लाइटें, आप पता है हमें कहां जाना है, वो जमीन इंतजार कर रही है आप, वो कब्र इंतजार कर रही है, जब यहां से इंसान लाइट लेके जाएगा ना तो सीधी लाइटें जाएंगी उसकी, उस कब्र के अंदर रोशन हो चुकी होगी कब्र आपकी, बेशक यहां इंडिया में वो पक्ष जहां भी हमने जाना है, आसमान में मरना है, जमीन में मरना है, समुद्र में मरना है, वो जगह मुंतखिब है, आवाजें मारती है सुबह शाम, तो उसके पास रोशनी पहुंच रही है आपकी, क्यों मैं तुम सजा दिए तूने मुझे, फिक्र किस चीज की करते हैं, ऑलरेडी वहां ट्यूबें लग चुकी होंगी क्योंकि आप सुबह शाम जमा कर रहे हैं माशा, कितनी अच्छी दावत देते हैं अल्लाह वाले, हम दिमाग नहीं है, दिमाग हमारे कितनी खूबसूरत पता है, रमजान है, कितनी रमजान गया सुभान, कैसे हसीन लोग होंगे, सारा रमजान जिन्होंने माशाल्लाह लाइटें जमा की, आज भी टैक्स आते हैं लोगों के दूर दूर से, औरतों के, आदमियों के, कैसा कमाल था वो, तीन वक्त जो जिक्र था अजीब ही जिक्र था, वो बातें थी अजीब बातें थी, हत्ता के लोग इतने मस्त हो गया वो किताब छपनी शुरू होगी माशाल्लाह, बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगी, वो आशिक लोग मौजूद हैं दुनिया के अंदर, हमने तो हो रमजान गुजर, कहते हैं नहीं जी वो तो हमें चाहिए, वो पब्लिश हो जानी चाहिए, वो छपना शुरू हो गई, लोगों ने छपाना शुरू कर दिया उसको, अपने अपने शौक और मोहब्बत की बात है, मोहब्बत की बात है, अल्लाह के नबी फरमाए ये वो कौम है, ये कौन है, कौन सी कौम है कि जी ये वो लोग हैं जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, आप मेरे लिए नहीं आए चुगाओं को छोड़ के गाड़ी में बैठ के, क्या ये अल्लाह की मोहब्बत है जो आपको लेकर आई है, मेरा तो लकी रिश्ता,
मैं तो क्यों जाना, कुछ क्यों नहीं यार साहब, ये मोहब्बत है मेरी और आपत, इसी के नाम तो मोहब्बत है, सारी मोहब्बतें कट जाती हैं याद रखें, लेकिन जो अल्लाह की मोहब्बत की जराग जलते हैं ना वो कभी बुझते ही नहीं है। बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, हर वक्त जिसकी नस्बत होती है हजरत साहब, हजरत साहब याद आते रहते हैं। दिल करता है किसी बहाने से अपने शेख का जिक्र करो, कोई नहीं मिलता, बच्चे से जिक्र शुरू कर देता हूँ, और कोई नहीं मिलता किसी और बच्चे से शुरू कर देता हूँ, और कोई नहीं मिलता किसी आदमी शुरू कर देता हूँ, क्यों? दिल करता है, चलते फिरते यार का जिक्र होता चलता है, ये तो मोहब्बत है। तो फरमाया ये वो लोग हैं जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे में मोहब्बत करते हैं, दुकान की खातिर नहीं, कारोबार की खातिर नहीं, किसी रिश्ते की खातिर नहीं, खूनी रिश्ते पर ख़त्म हो जाते हैं उससे नहीं, ये तो एक अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो गई इन्होंने, उनके दरमियान एक मोहब्बत है जो पैदा कर दी मैंने दोनों में, उस मोहब्बत को लेकर ये क्या करते हैं। और यहाँ एक चीज़ और फरमाई अल्लाह के नबी ने कि खानदानी मोहब्बत भी ख़त्म होगी इनकी, ये किसी खानदान को देख नहीं आते, ये पठान आ रहा है या पश्तो आ रहा है, यहाँ पे पंजाबी आ रहा है, यहाँ पे फलां आ रहा है, नहीं उस नहीं आते, वो तो देखते भी नहीं कौन आ रहा है, उनकी ज़बान एक ही होती है और मोहब्बत की ज़बान होती है। मुझे ये पता कौन है, मैं तो जिक्र के लिए जा रहा हूँ, आप यहाँ जितने बैठे क्यों जा रहा हूँ, जिक्र के लिए, कहाँ जा रहे हैं जिक्र के लिए, जिक्र के अलावा उनका कोई रिश्ता नहीं होता, और जिक्र मिलने लगी मोहब्बत, जिक्र किसका हो रहा है, लल्ला मजनू का, पैसों का नहीं, जिक्र होता है तो जिक्र उसका हो रहा है परवरदिगार का। जहां आप आ रहे हैं आप कितने जा रहे हो, जिक्र थे, हम भी कहां जा रहे हैं, जिक्र, तो ये क्या बात है, अल्लाह की मोहब्बत के लिए जा रहे हो एक इंसान के पास मिलने के लिए। तो फरमाया उनमें मोहब्बत होगी आपस में, किसकी, अल्लाह की मोहब्बत होगी, और वो जाएंगे रिश्तेदारी भी नहीं होंगे कि फला मेरा रिश्तेदार जाता है मैं वहां जाऊं, ये फला आदमी जाते हैं, वो नहीं देखेंगे कौन आ रहा है, नया मुसलमान है, पुराना मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है, सिख मुसलमान, कुछ पता नहीं होगा, उस पता है क्या है कि वहां जिक्र हो रहा है, जिक्र के लिए जा रहा हूं मैं। पहली चीज मोहब्बत ऐसी, फिर सब फैमिली सिस्टम खत्म, कोई ताल्लुक नहीं किसी से, कोई कुछ हो कोई नहीं पूछता तू कौन है कौन, बस मोहब्बत बढ़ती जा रही है, जुड़ के और जुड़ के बैठते हैं एक दूसरे के साथ, करंट लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत है। अच्छा जिससे मोहब्बत आप दिल नहीं करता नाड़े बैठा होते, जिससे आपको मोहब्बत चिपक के बैठता है आदमी उसके साथ, दिल से दिल मिलता है इंसान, दूसरी बात करता है ये, फिर वो खानदानी मोहब्बत खत्म हो जाती है, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत रह जाती है। तीसरी चीज बताई फरमा सुभान अल्लाह, कोई मोहब्बत नहीं, कोई गर्ज नहीं, बस एक ही उनका लगन होती है, बैठ के क्या करते हैं, एक ही बात होती है, एक ही टॉपिक होती है, वो क्या, जिक्र अल्लाह करते हैं। ये तीन सिफतें थी उनके अंदर, तो अल्लाह ने आज हश्र में दिखा दिया, पूरी कायनात को दिखा दिया कि इस सिफत के इंसान ऐसे होंगे हश्र के अंदर। आप भी ऐसा करते हैं, ये कितना बड़ा कमाल है, हमें पता ही नहीं यार हमारा हश्र क्या होगा, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह वाले की शान है, कुर्बान जाऊं अपने शेख के, कि जिसने ऐसी चीज दे दी, ऐसा बता दिया, हमें पता नहीं है लेकिन हमें वो बना दिया जो हश्र में हमने बन के उठना है, वही मेरे शेख की बरकत है, उसने तो मुझे सब यहीं का हुक्म दिया था, लेकिन अल्लाह कह रही ये काम तेरे रुकेगा नहीं, उसने सिस्टम ऐसा रख दिया, मैं यह बात करता हूँ पूरी दुनिया में आवाज जा रही है, सारी औरत मर्द बैठे जुड़े हैं और इस बात को सुन रहे हैं, सब कौन लोग हैं जिसके हदीस बता रही है, वो ही लोग होंगे जो आज बैठे हैं लंदन में, इधर उधर अमेरिका में बैठ के मेरे साथ जिक्र कर रहे हैं, ये वही लोग होंगे जो मैदान हशर में मिंबर पे बैठेंगे और इनके चेहरे चौदहवीं की तरह चमक रहे होंगे। जो नहीं यकीन करता अपने ईमान को सही कर ले। सही हदीस, सब उधरदा की हदीस आपको मैंने सुना, तो फरमाया क्यों डरते हो कब्र के अंधेरों से, क्यों डरते हो हशर के अंधेरे से, मैंने तुम्हारे एक चिराग दे दिया है, उठो चिराग को जलाओ, अल्लाह के जिक्र को पकड़ो, उन मजालिस को पकड़ो, उन लोगों को पकड़ो, और बड़े खुशकिस्मत होंगे यार, जैसे जैसे क्यामत आई सब कुछ आप देखें, क्यामत की निशानी ये होगी कि सब कुछ नजर आएगा आपको, बढ़ता नजर आएगा, मस्जिदें बढ़ रही हैं, तबलीगें बढ़ रही हैं, और जनाब वाज बढ़ रहे हैं, कुरान बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ता नजर आएगा, लेकिन एक चीज़ आपको कम नजर होना शुरू हो जाए कि वो कम हो रही है, तो समझ जाओ क्यामत उतनी नज़दीक आ रही है, याद रखा, एक चीज की कमी को देखो समझना बस अब बर्बादी है, कि वो शुरू होगी हर चीज की, वो क्या होगा, वो जिक्र अल्लाह की मजालिस होंगी, वो महदूद हो जाएंगी, बहुत कम नजर आएंगी आपको, कि जहां इसी तरह के लोग जमा होकर बैठकर मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ खानदान के सुबह शाम बैठकर अल्लाह का जिक्र करेंगे, सुबह
तब ये मजलिस खत्म होने शुरू हो जाए, समझ जाए कि बस अब मामला खत्म हो गए। इनको मेयार ना बनाना, इतनी बड़ी मस्जिद, इतना फलाह, इतना कहते, ये सब मेयार नहीं इसका, क्योंकि क़यामत आएगी उस वक्त कि जब एक आदमी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जिक्र करने वाला हो, मैं क़यामत लेकर नहीं आऊंगा। ये पावर है जिक्र की, तो डिपेंड करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्लाह पाक ने देखें सुबह शाम ऐसी मजलिस कायम की हुई है कि हमारे साथ ही काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम इसकी कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, कल के अंधेरे को कुछ पता नहीं, अगर आज हमें चाहिए कि लाइटें जला लें तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने खुला मैदान रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस जिक्र यह है, सारी बोल रहा था नूरा नूर हुआ है माशाल्लाह, मजे लगे। पता नहीं किस फकीर की दुआ लगी इस शहर पे, पता नहीं किसकी दुआ लगी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बहुतास से जो अल्लाह ने कहना है जिक्र, उसी बहुतास बताओ रमजान में तीन तीन मजालिस हैं। वो कुरान वाला थकते नहीं, बल्कि और कहते हैं और करो, मैं करने को तैयार हूँ। बंदे ही नस जाते हैं, वो नहीं डरता, बहुत तैयार है कि चलो चार करना तो चार भी कर देते हैं माशाल्लाह। ये अल्लाह की नेमत है इस जमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला फजल है कि लोग कबूल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शौक भी बढ़ रहा है इनका, शौक भी इनमें है, मोहब्बत भी रखते हैं माशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला फैला भी रहा है यहाँ पर, बल्कि इतनी कशिश रखते हैं कि बाहर से भी लोग यहाँ खींचते चले आ रहे हैं कि चलो भाई जुमेरात का जिक्र करेंगे। अल्लाह हमारे शौक को और बढ़ाए, और अल्लाह ताला मुझे भी सेहत ताकत दे और आपको भी सेहत ताकत दे, और जाएँ तो इसी तरह जाएँ जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ तो इस तरह जाना कि तुम्हारी जबान क्या हो, अल्लाह के जिक्र से तर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين